फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 12 और मेरा वीडियो 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप सबको अपडेट दे दूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पेट का पथरी तो धीरे धीरे और भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने बताया है ऑपरेशन करवाने के लिए, पर इतने पैसे हमारे पास नहीं है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब अगर कोई दवाई वगैरह जानते हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे पेट में जो क्या बोलते हैं पिक की थैली है उसमें पथरी हो गया है। तो डॉक्टर ने बताया है सीधा ऑपरेशन ही होगा। तो आप सबके पास कोई जैसे इस हालात से गुजरे हूँ उसमें का कोई सही हो गया हुए दवाई से तो आप सब जरूर बताइएगा। और मैं अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अभी हमारी छोटी सी बच्ची है, उसका भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पर गांव में है, यहाँ कोई नहीं है हमारे पास। तो इसलिए तो आप सब जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि दवाई वगैरह से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। और आप सबको मैंने कल दिखाया था, आज ब्लॉग मैंने डाल दिया है, आप सब देख सकते हैं, उसमें मैंने दवाई वगैरह डाल जो मैंने मुझे ये सारी दवाइयाँ मिली है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ मिली हैं और मैंने खाया भी है, भी बहुत सारी दवाइयाँ खानी है। तो यही सब है फ्रेंड्स। और आप सबको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ हमारे घर की हालात कैसी हो गई है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। सारे बर्तन वगैरह सारे कपड़े लगते ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी मैं दिखा दूँ घड़ी में आप सबको, देख सकते हैं पूरा 12 बज गए हैं और मेरा मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी खाना वगैरह बना लूँ मैं, इतना हालत ख़राब है मेरी, क्या बताएं। काबू को किसी तरह से मैंने दवाई वगैरह खिला के, उसको भी बुखार था, खिला के मैंने दवा पापा के साथ दुकान भेज दिया है। और पता नहीं कैसे मन हो रहा है, जैसे लगता है कि इतना शरीर में जान ही नहीं है, इतना सारा दर्द वगैरह रहता है, पेट तो हमेशा दुखता है फ्रेंड। कल रात में फिर दुखने लग गया था तो दवाई वगैरह खाई तो फिर आराम हुआ। और अभी मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया कुछ भी, आप सब देख सकते हैं, मैं आप सबको दिखाती हूँ फ्रेंड। ये देखिए अभी सब्जी वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ चाय बनाया है ये देखिए, और सबने पी के चले गए हैं। और खाने में अभी कुछ भी नहीं बना है और पूरा 12 बज गए हैं फ्रेंड्स। मन नहीं कर रहा क्योंकि खाना वगैरह बना ले। और कपड़े ही आप सब देख सकते हैं, इतने सारे इधर रखे हैं काबू के। काबू अभी फ्रेंड्स छोटी है, उसको क्या मालूम क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो दिन भर गीला वगैरह करती रहती है। और हमारा चेहरा देख सकते हैं आप लोग कैसा हो गया है, पता नहीं कैसे सारे दाने दाने से निकल आए और पता नहीं कैसे दाग धब्बे हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे ही हूँ, मन भी नहीं करता है कुछ भी करने का फ्रेंड्स, क्या करें। जब शरीर ठीक रहता है तो सब कुछ मन करता है करने को, लेकिन तबीयत खराब है, फिर भी खाना तो बनाना पड़ेगा फ्रेंड। तो मैं चलती हूँ कुछ खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि पेट नहीं मानता, चाहे जितना बीमारी हो चाहे जो हो, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन काबू के पापा और पापा दोनों बाप बेटे तो खाएंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी वगैरह काट लेती हूँ और बनाती हूँ। और आज का मौसम आप सबको दिखा देती हूँ कैसा हो रखा है हमारे, ये देखिए सुबह धूप धूप सब खूब तेज धूप है फ्रेंड्स।
और अभी गलियारा वगैरह भी साफ करना है, सारे काम मतलब हमारे पड़े हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, आप सब देख सकते हैं। कोई नहीं है कि हमारा कोई काम ये कर दे तो मुझे फुर्सत मिल जाए, मेरा मन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स काम करने का, इतनी तबीयत खराब है, लेकिन क्या करें। काबू के पापा बोल रहे थे कि मैं कर दूं, पर फ्रेंड्स क्या है कि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हमारी दवाई करना, और फिर जानते आप सबको भी पता भी होगा जो शहर में रहते हैं उनको हर चीज़ मोल ही खरीदना पड़ता है, एक दिन नहीं जाए दुकान, एक दिन पैसे नहीं कमाए तो कितनी सारी दिक्कतें होती है, तो वही सब है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने कहा रहने दो, मैं धीरे धीरे कर लूँगी। तो मैं फ्रेंड्स रोट सब्जी काट लेती हूँ, फिर आज सबसे मिलती हूँ। और फाइनली दोस्तों हमने रोटी बना लिया है आप सब, और सब्जी भी हमारी बन चुकी है, आप सबको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने कितनी मोटी मोटी रोटी बनाई है, आप सब देख सकते हैं, बहुत सारी मोटी मोटी रोटी बना लिया है, और इधर से सब्जी भी हमारी बन गई है, और किसी तरह से मैंने फ्रेंड्स रोटी बनाया है। हाथ पैर इतना दुखने लग गया क्या बताएं, तो इसको मैं ढक देती हूँ किसी से, ये थाली से ढक देती हूँ, और अब मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और आप सब आइए जाम खा लीजिए, इसको गांव में अमरूद बोलते हैं और यहाँ पर जाम बोलते हैं, तो आप सब भी आइए और खा लीजिए। ये अभी पापा ने लिया है, बहुत पके पके हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग, तो आइए आप सब भी खा लीजिए। और फाइनली दोस्तों मेरा काबू भी मेरी आ चुकी थी, ये देख सकते हैं, और इसको मैंने चुपचाप से सुला दिया है, इसके पास आवाज़ नहीं करूँगी नहीं तो ये जग जाएगी। और मैंने 12 बजे बनाना स्टार्ट किया था, 1 बज गए हैं देख सकते हैं आप लोग घड़ी में। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और मुझे कपड़े भी धुलने हैं, बहुत तेज धूप भी है तो धुल दूंगी तो सूख भी जाएगा, और ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग, ढेर सारे कपड़े रखे हैं, इधर भी रखे हैं, और अभी पापा के कपड़े भी लाने हैं, मुझे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, धुलना है, अभी झाड़ू लगाना है, पूरे घर में पोछा लगाना है, और मन नहीं कर रहा है कोई भी काम करने का फ्रेंड्स, कि कोई काम कर लो, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, नहीं करूँगी तो कौन करेगा मेरा काम। तो यही सब है फ्रेंड्स, और देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बताते हैं, अभी हम दवाइयाँ फ्रेंड्स डॉक्टर ने 15 दिन की दे रखी है, लेकिन अभी मुझ मतलब कल तक बुलाया है उन्होंने, क्योंकि हमारी रिपोर्ट नहीं देखा था, तो बोले हैं मतलब रिपोर्ट ला के दिखाओ फिर हम बताएंगे, तो कल के बाद पर आज तो संडे था तो इसलिए नहीं गए, अब कल जाएंगे फ्रेंड्स और दिखाएंगे, फिर उसके बाद में आप सबको बताएंगे क्या बताते हैं डॉक्टर क्या नहीं बताते हैं। और बाकी सारे कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, धुल लेती हूँ सारे किसी तरह से फ्रेंड्स, मन बहुत दुखी हो जाता है जब किसी जब कुछ भी हो जाता है तो मन नहीं लगता है, फिर भी क्या करें, करना पड़ता है फ्रेंड्स। और चेहरा आप सब देख सकते हैं कैसा हो गया है मेरा, तो अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स और सारे काम वगैरह कर लेती हूँ, और जैसा होगा आप सबको अपडेट देती रहूँगी।
दरवाजा लगा देती हूँ। मुझे झाड़ू भी लगाना है मुझे। मैंने रख दिया है कपड़ा और फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और आप सब दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरा ऑपरेशन ना हो, ऐसे ही पथरी निकल जाए तो अच्छा रहे फ्रेंड्स, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हमारी अभी नन्ही सी बच्ची है, उसको कौन देखेगा। ये सब है फ्रेंड्स, और डॉक्टर का कहना है कि पथरी बड़ी हो गई है तो उसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दिन ब दिन वो और बढ़ती ही जा रही है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स आज मैं बहुत परेशान हूँ, मन भी नहीं लग रहा कोई काम करने के लिए। और क्या बताएं, आप सबसे क्या कहें, बस दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरा ऑपरेशन हो। बस यही सब आप सबसे दुआ है, बात कह रही हूँ फ्रेंड्स, आप सब प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप सब ज़रूर मदद करना हमारी। और बाय बाय दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत सारे काम करना है, किसी तरह से कर लेती हूँ नहीं तो काबू जग जाएगी तो और परेशान करेगी। तो बाय बाय दोस्तों, खुश रहे, खुशियाँ बांटे और भगवान करे आप सबके जीवन में कभी दुख ना आए जैसे मेरे जीवन में आता है। कभी कोई बीमारी रहता है, भगवान जो कहते हैं ना कि भगवान गरीब को हमेशा पीछा करते हैं, अमीर को नहीं, जिसके पास पैसे रहते हैं उनको कभी नहीं पीछा करते हैं भगवान, कि हाँ वो इलाज करवा लेंगे नहीं कुछ। और जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लाचार होते हैं चारों तरफ से, उनको भगवान हमेशा पकड़ते रहते हैं। अगर ऑपरेशन को डॉक्टर ने बोल दिया फ्रेंड्स तो हमारा क्या होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, क्या पता। पर कोई नहीं फ्रेंड्स, किसी तरह से ये भी दिन निकल जाएंगे। दुआ करना जल्द मैं ठीक हो जाऊँ। बाय बाय दोस्तों।